वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है नील की, और नील कैसे नैना बन गए। और आज वो ये बात बोलते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, वो एक लड़की की लाइफ स्पेंड करते हैं। और बहुत सारी स्टोरीज में, बहुत सारी वीडियोज में उनकी पिक्स हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। और मतलब एक होता है ना, नील बोलते हैं कि मैं के दी आप मेरी कोई भी पिक्स आराम से शेयर कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फेस के साथ आप मेरी पिक शेयर कर सकते हो, बिकॉज मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं कोई क्रॉस ड्रेसर नहीं हूँ और मैं ओपन में ये सब करता हूँ। तो नील कैसे उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनके लिए मतलब आज वो एक ट्रांसजेंडर हैं। उनका जो प्रोसीजर है एक फीमेल बनने का, वो चल रहा है। और वो मतलब आने वाले टाइम पर वो बोलते हैं कि मैं एक फुली फीमेल वाली जो लाइफ है वो स्पेंड करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और नील की लाइफ का एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें नील को अपने दो दोस्तों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ा। और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद मतलब वो मजबूर हो गए कि उनको अपने दो दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर शादी करनी पड़ी। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और नील की लाइफ का ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करते हैं पिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसजेंडर बन चुके हैं, ये उनकी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट है जिसको मतलब जिस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को एक बहुत हद तक चेंज कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या, नील गुड़गांव में ही किसी कंपनी में जॉब करते थे और वो पीजी में रहते थे। एक्चुअली नील के पेरेंट्स नहीं हैं और वो अकेले ही हैं, अपना खुद ही कमाना, खुद ही अपना गुजारा करना, मतलब वो सिस्टम ऐसे ही उन्होंने अपनी स्टडी है वो कम्प्लीट की। और अगर आपने उनकी पहले वाली स्टोरीज नहीं देखी हैं तो मैं लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी एंड स्क्रीन पर, आप जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको आज की स्टोरी या आगे उनकी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट अगर मैं शेयर करती हूँ तो वो समझ में आ जाए। तो नील जब गुड़गांव में जॉब करते थे, वहां पर वो पीजी में रहते थे और उनके साथ में दो लड़के और रहते थे पीजी में। और नील को उस टाइम क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था, बट उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि उनको एक ट्रांसजेंडर बनना है, उनको एक प्रॉपर जो फीमेल वाली लाइफ है वो स्पेंड करनी है। बट नील क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, छुप छुपा के करते थे। उन्होंने अपना जो भी क्रॉस ड्रेसिंग का सामान था वो अपने जो पीजी में उनके रूममेट्स थे उनसे छुपा कर रखते थे। और वीकेंड्स पर नील ऐसा करते थे, वीकेंड्स पर वो अपने रिलेटिव्स के पास जाने का जो मतलब एक बहाना होता है वो अपने दोस्तों को देते थे। और फिर वो अपनी एक दीदी थी पार्लर वाली, जिसके साथ नील की बहुत अच्छी बातचीत थी, वो उनसे पैसे भी कम लेती थी और नील का जो एक प्रॉपर गेटअप होता है लड़की वाला वो भी कर देती थी। नील वीकेंड्स पर वहां जाते थे, एक लड़की की तरह तैयार होते थे, उसके बाद वो रोड साइड पर घूमने निकल जाते थे। बिकॉज जैसे कि आप पिक्स में देख ही सकते हैं, नील का फिगर, नील का लुक एकदम से एक गर्ल की तरह ही दिखता है। तो नील रोड पर वॉक करने, मूवीज देखने, मॉल्स में शॉपिंग करने, मतलब अकेले ही लड़की बनकर घूमते थे। और उनका ये सीक्रेट किसी को पता नहीं था। बट एक बार क्या हुआ कि नील जब लड़की बनकर ऐसे ही रोड पर वॉक कर रहे थे तो दो लड़के उनके पीछे लग जाते हैं। बिकॉज नील ज्यादातर शॉर्ट ड्रेसेस पहनते थे और शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर ही वो वॉकिंग वगैरह करते थे, मॉल्स में जाते थे, मूवीज वगैरह देखने जाते थे। मतलब नील को वैसे तो इंडियन ड्रेसेस भी वो पहनते हैं बट शॉर्ट ड्रेसेस पहनना उनको ज्यादा पसंद है। तो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जैसे वो बाहर जाते थे तो उन्होंने ऐसे ही एक शॉर्ट ड्रेस वाली हुई थी। और जब वो रोड पर वॉक कर रहे थे तो दो लड़के उनका पीछा कर रहे थे और बहुत देर तक मतलब नील इस चीज को मतलब समझ रहे थे कि कोई उनके पीछे आ रहा है, बट वो उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। पर कुछ देर बाद दोनों लड़के उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और
वो नील का जो सीक्रेट था उसको मतलब जानते थे। वो एकदम से नील को आकर बोलते हैं कि नील आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, एकदम मतलब हॉट लग रहे हो। उसको जैसे ऐसी बातें बोलते हैं तो हम तुम्हें नील बोलें या नीलिमा, वो मतलब एकदम से जैसे होता है ना कि नील पर एक जैसे टॉन्ट सा करते हैं कि तुम एक लड़की की तरह ऐसे घूमते हो और हम ये सब चीज जानते हैं। नील एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। बट नील को आदत थी और नील अपने आप को मतलब एकदम से हाजिर जवाब जो लड़का होता है वो है। वो किसी भी कंडीशन में घबराते नहीं है बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ अकेले जी है। और किसी से डरना नील मतलब एक जैसे होता है ना कि हाँ भाई उनको किसी से डरना नहीं है। वो अपना माइंड है उसको एकदम से सेटल रखते हैं कि वो जो चीज करते हैं उसको वो छुपाएंगे नहीं। तो नील उनको बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है तो भाई मुझे ये शौक है और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, तो मैं ऐसा कुछ गलत नहीं समझता हूँ इसमें। नील के जो दोनों रूममेट्स होते हैं, दोनों जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसको बोलते हैं चलो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज चलो बार में चलते हैं। वो उसको बार में ले जाते हैं, तीनों बार में जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह करते हैं और नील भी उनके साथ ड्रिंक कर लेते हैं और उनका जो डोज है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है और नील अपना होश खो बैठते हैं। उसके बाद जो नील के फ्रेंड्स होते हैं वो उसको एक मतलब अपने रूम पर ले जाते हैं जहां वो पीजी में रहते हैं और उनका जो फिजिकल रिलेशन होता है वो हो जाता है। और नील बहुत नशे में थे, नील ने उस चीज पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया। बट सुबह जिस टाइम वो उठे और उठकर जब उन्होंने देखा कि उनके साथ ये सब हुआ है, दोनों उनके फ्रेंड्स उनके साथ मिस्टर पर थे और नील बोल रहे थे कि दी मुझे बहुत पेन भी हो रहा था बट एक अंदर से अच्छी फीलिंग भी आ रही थी कि मुझे जिस क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है, फीमेल ड्रेसिंग का शौक है, मतलब उनको एक फीमेल वाली फीलिंग भी आ रही थी। उसके बाद जो नील के फ्रेंड्स होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अभी हम ये चीज सबको तब नहीं बताएंगे अगर तुम हम दोनों की वाइफ बनने को तैयार हो जाओगे। नील उनको बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों की वाइफ कैसे बन सकती हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम तीनों खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नील एकदम से ओपन माइंडेड लड़के थे, उनके आगे पीछे कोई था नहीं और नील को अपनी लाइफ एकदम से खुलकर जीना पसंद है शुरू से ही। तो नील उनको बोल देते हैं कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नील हाँ बोल देते हैं, मंदिर में वो लोग जाते हैं और दोनों लड़के हैं जो वो नील को एक लड़की की तरह तैयार करते हैं, लड़की का गेटअप उसको देते हैं और उसके साथ मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसको अपनी दुल्हन बना लेते हैं। नील की अपने दो दोस्तों के साथ शादी हो जाती है और फिर जो उनका रिलेशन था वो ऐसे ही कुछ टाइम तक आगे बढ़ता रहता है और नील अपने फ्रेंड्स के साथ एक वाइफ की तरह रहते हैं, एक फीमेल की तरह रहते हैं एक फीमेल की तरह रहते हैं, एक फीमेल वाली लाइफ स्पेंड करते हैं। नील जॉब करना भी बंद कर देते हैं और वो जो दोनों उनके फ्रेंड्स थे वो ही नील का पूरा खर्चा उठाते हैं, जो भी उनका खर्च होता है। उनकी जॉब छूट जाती है इसी चक्कर में बिकॉज वो नील को एक प्रॉपर हाउसवाइफ की तरह ट्रीट करते थे और घर में नील रहते थे, घर का काम करते थे, खाना बनाते थे, फुल टाइम वो एक लड़की बनकर रहते थे। और नील जॉब छोड़ देते हैं और उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे नील की लाइफ आगे बढ़ती है बिना जॉब के, हो जाते हैं नील। और ये था नील की लाइफ का एक खास पॉइंट, मतलब खास मोड़ जिसमें उनको ये चीज फील होती है कि उनको आगे जाकर अपना जेंडर चेंज करवाना है, उनको एक लड़की की तरह रहना है। बट आगे क्या हुआ ये आपको फिर कभी शेयर करेंगे। तो ये नील की लाइफ का एक मतलब खास पार्ट था जो उनको एक ट्रांसजेंडर की तरफ ले गया, एक फीमेल लाइफ की तरफ ले गया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए सब लोग पिक शेयर नहीं करते हैं बट नील अपनी पिक शेयर कर देते हैं, तो आज की जो पिक्स शेयर करता है उसकी पिक्स मैं आप लोगों के साथ
शेयर कर देती हूँ, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नील हमेशा से अपनी पिक्स मेरे साथ शेयर करते हैं, तो आज की स्टोरी में पिक्स थी तो मैंने आपको पिक्स भी दिखा दी। और अब नील की जो बाकी स्टोरीज है वो प्लीज एंड स्क्रीन पर चेक कीजिएगा या फिर आई बटन पर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। और स्टोरी आपको कैसी लगी, नील की लाइफ का ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो बाकी की स्टोरीज भी चेक कीजिएगा। और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।